दोस्तों, अगर आप रोहित और विराट के फैन हैं और उन्हें दिल से पसंद करते हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 196 रन बनाकर भी मुंबई के सामने केवल 15.3 ओवर में ही ढेर होने वाली बेंगलुरु के कप्तान डुप्लेसी और मैक्सवेल तो अभी भी बहाने बनाने से बाज नहीं आ रहे, और अब एक ऐसे खिलाड़ी को उन्होंने हार का गुनहगार बता दिया जिनका बयान सुनकर सच में बेंगलुरु फैंस का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। तो आखिर डुप्लेसी ने ऐसा क्या कुछ बहाना बताया अपनी हार के बाद? मैक्सवेल ने आखिर कोहली को लेकर ऐसा क्या खुलासा किया जिनकी बातों ने पूरे भारतीय क्रिकेट में हड़कंप मचा दिया? इन दोनों का बयान हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट और रोहित में कौन आईपीएल 2024 का चैंपियन बनेगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, 16 साल आईपीएल को शुरू हुए बीत गए, टीम बदल गई, समय बदल गया, लेकिन नहीं बदली तो बेंगलुरु की किस्मत, या कहें कि विराट कोहली की फूटी किस्मत। 16 सालों से कोहली बेंगलुरु को जीत दिलाने के लिए अपनी जी जान लगा रहे हैं, हर बार ऑरेंज कैप की रेस में नंबर वन आ रहे, लेकिन फिर भी आज तक उन्हें अपनी टीम का साथ नहीं मिल पाया। 2024 में वह अपनी स्टोरी बार बार रिपीट हो रही है। कोहली आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, ऑरेंज कैप उनके पास है, लेकिन बेंगलुरु की क्रिकेट टीम का हाल ऐसा है कि वह पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे 9वें पायदान पर मौजूद हैं। 6 मैच में वह केवल एक मैच जीत पाए हैं और उनके केवल 2 अंक हैं। अब तो उनके लिए प्लेऑफ में पहुंचना भी अंगारों पर चलने से कम नहीं रह गया। मुंबई के खिलाफ भी उनकी कमजोरी उभरकर सामने आई। पहले तो उनका बल्लेबाजी क्रम जैसे ही कोहली आउट हुए ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, और बड़ी मुश्किल से वह दिनेश कार्तिक के साथ अंत में अर्धशतक की बदौलत 196 रन बना पाए। उसके बाद गेंदबाजी की तो बात ही क्या करें। जब बेंगलुरु फैंस सोच रहे थे कि उनके गेंदबाज शायद कोई कमाल दिखा पाए, लेकिन मुंबई के बल्लेबाज तो सिर पर कफन बांध कर उतरे थे, और फिर अपने बल्ले से उन्होंने बेंगलुरु फैंस को ऐसा धोया, ऐसा पीटा कि उनके दिल में ऐसा दर्द दिया जो आने वाले कई सालों तक भी नहीं मिटेगा। चौके छक्कों की सुनामी लाते हुए मुंबई के बल्लेबाजों ने ऐसी तबाही मचाई कि 197 रनों के पहाड़ जैसे माउंट एवरेस्ट जैसे लक्ष्य को 15.3 ओवर में चेज कर बेंगलुरु के गेंदबाजों से खिलवाड़ किया। बेंगलुरु को तो पता भी नहीं चला कि कब वह बेइज्जत हुए और कब पूरा मुकाबला उनके हाथ से निकल गया, जिसके बाद विराट कोहली भी उदास मन से अपना चेहरा छुपाते नजर आए। वहीं उनके अलावा बेंगलुरु का कोई भी खिलाड़ी नजर नहीं आया, लेकिन अभी भी वह अपनी गिरी हुई हरकतों से बाज नहीं आए हैं। जहां मुकाबला खत्म होने के बाद उनके कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने जो कहा वह सुनकर आप भी अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, डुप्लेसिस ने कहा कि इस हार को पचा पाना बहुत मुश्किल है। इस मुकाबले में हमने बहुत सारी गलतियां हुई हैं, हमें पता था कि ड्यू फैक्टर आएगा, लेकिन हमें कम से कम 250 रन बनाने चाहिए थे, लेकिन विराट जो हमारी टीम के सबसे बड़े बल्लेबाज थे वह बहुत जल्द आउट हो गए। वहां से सारा मोमेंटम शिफ्ट हो गया और 196 रन इस मैदान पर मुंबई जैसी दिग्गज टीम के सामने छोटे लगते हैं। ऐसा ही हुआ, विकेट लेने में भी हमारे गेंदबाज काफी स्ट्रगल करते नजर आए। हर तरफ से हमारे लिए बुरा ही बुरा हुआ। कोई भी ऐसा एक खिलाड़ी नहीं था जिसने अपनी पूरी जी जान लगाई हो, और हमें इन सब चीज़ों को मैनेज करने का कोई रास्ता देखना होगा। शुरुआत में विराट को सारे रन बनाने होंगे और तेज शुरुआत दिलानी होगी। वो काफी धीमी बैटिंग करते और अंत में हमें एक बड़े टोटल तक नहीं पहुंचा पाते। कहीं ना कहीं यह भी हमारी टीम की कमजोरी बनी है। तो केवल यही नहीं दोस्तों, क्लिन मैक्सवेल ने भी कह दिया, जब आपकी टीम में विराट जैसे खिलाड़ी होते हैं तब आप सोचते हैं कि आपको अच्छी शुरुआत मिलेगी, लेकिन यदि टॉप ऑर्डर इतना परफॉर्म करेगा फिर लोअर मिडिल ऑर्डर पर दबाव काफी बढ़ जाता है। मुझे पता है कि मैंने खराब खेला, मुझे अपनी गलती पर पछतावा भी है, लेकिन मैं अकेला अपनी टीम को जीत नहीं दिला सकता, मुझे अपने साथियों के साथ भी चाहिए। विराट 16 सालों से बेंगलुरु के लिए खेल रहे हैं, लेकिन आज तक वह बेंगलुरु को जीत नहीं दिला पाए। इसमें उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि हम एक टीम की तरह अब तक खेल नहीं पाए, इसलिए हम इतने पीछे हैं। लेकिन मुझे पता है यदि एक भी मैच में विराट चले तो हम आसानी से टूर्नामेंट भी जीत सकते हैं, हम में वह खूबी जरूर है। तो दोस्तों, देखा आपने, अब मैक्सवेल और डुप्लेसी तो बहाने बना रहे हैं, लेकिन अब आपको क्या लगता है, क्या अभी भी बेंगलुरु आईपीएल 2024 की चैंपियन बन सकती है? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मुंबई और बैंगलोर के बीच मुंबई के घरेलू मैदान पर रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर इस मैच में मुंबई की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस दौरान मुंबई की टीम ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बैंगलोर को 20 ओवर में 196 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाने के बाद रोक दिया था। इस दौरान मुंबई की टीम के लिए जसप्रीत बुमराह ने सर्वाधिक 5 विकेट लिए। इस दौरान जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर के अंदर मात्र 21 रन देते हुए 5 बड़ी सफलता अपने नाम की। इस दौरान उन्होंने विराट कोहली और कप्तान फाफ डुप्लेसिस का महत्वपूर्ण विकेट लिया। साथ में सौरभ चौहान, विजय कुमार बैशाख और महिपाल लोमरर का विकेट लिया और इस सीजन का अपना दूसरा 5 विकेट लेने का कारनामा किया। ऐसे में जसप्रीत बुमराह के 5 विकेट लेने के बाद दुनिया भर के तमाम दिग्गजों का अब दिल जीत लेने वाला बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा है कि जसप्रीत बुमराह ने इस मैच में काफी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाजी की है। जसप्रीत बुमराह ने जिस प्रकार से बेंगलोर के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए, उसके चलते बेंगलोर की टीम बड़ा स्कोर करने में पीछे रह गई। अगर जसप्रीत बुमराह इस मैच के अंदर तेज गेंदबाजी के जरिए विरोधी टीम को परेशान नहीं करते तो शायद जसप्रीत बुमराह के बिना बेंगलोर की टीम 240 रन के करीब मैच में बना देती, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के अलावा इस मैच में कोई भी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि जसप्रीत
जसप्रीत बुमराह ने जिस प्रकार से तीनों फेज में बेहतरीन गेंदबाजी की, उसे देखकर लग रहा है कि ये खिलाड़ी आगे समय में और भी घातक होगा। तो वहीं रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा है कि मुंबई की टीम के लिए जसप्रीत बुमराह ने काफी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाजी इस मैच के अंदर की है। जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई भी गेंदबाज ऐसा नहीं था जिसने इस मैच के अंदर बेहतरीन गेंदबाजी की हो। हालांकि एक समय पर बैंगलोर की टीम 200 रनों के पार पहुंचने का प्रयास कर रही थी, लेकिन जिस प्रकार से आज के मैच के अंदर जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बैंगलोर की टीम को 200 रन के अंदर रोक दिया, वो बताता है कि बैंगलोर की टीम के सामने जसप्रीत बुमराह ने कैसा प्रदर्शन किया है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि जसप्रीत बुमराह अगर इसी तरीके से आगे भी बेहतरीन गेंदबाजी करते रहे तो आने वाले समय में बाकी टीमों को काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो वहीं एबी डिविलियर्स ने बयान देते हुए कहा है कि इस मैच में मुंबई की टीम की तरफ से आज जसप्रीत बुमराह ने काफी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाजी की है। जसप्रीत बुमराह ने जिस प्रकार से विराट कोहली को सेटअप के जरिए पवेलियन का रास्ता दिखाया, वो इस मैच का सबसे बड़ा विकेट था। इसके अलावा कप्तान प्लेसेस उसको आउट भी करना जसप्रीत बुमराह के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन विकेट साबित हुआ है, क्योंकि अगर आप सेट बल्लेबाज को आउट करते हैं तो ये आपकी टीम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि जसप्रीत बुमराह ने तीनों फेज के अंदर शानदार गेंदबाजी के जरिए विरोधी टीम के बल्लेबाजों को परेशान किया और मैच में मुंबई की टीम को काफी ज्यादा मजबूती दिलाई थी। तो वहीं सुनील गावस्कर ने बयान देते हुए कहा है कि इस मैच में जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं। आज के दिन जिस प्रकार से जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए हैं, वो बताता है कि मुंबई की टीम के लिए यह गेंदबाज कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि मुंबई की टीम के लिए जसप्रीत बुमराह अगर आज बेहतरीन गेंदबाजी नहीं करते तो शायद मुंबई की टीम को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन उनकी बेहतरीन गेंदबाजी के जरिए मुंबई की टीम को काफी ज्यादा मजबूती मिली है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि जसप्रीत बुमराह का ऐसी गेंदबाजी अगर वो करते रहे तो भारत के लिए भी फायदेमंद होगा। तो वहीं शोएब अख्तर ने जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी के अलावा इस मैच के अंदर बैंगलोर की टीम की तरफ से दिनेश कार्तिक की काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली है। एक समय पर जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी के जरिए 200 रन के स्कोर सोचना मुश्किल हो गया था और लग रहा था कि टीम 180 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी, लेकिन जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी के अलावा दिनेश कार्तिक ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए चारों तरफ मैदान पर छक्के और चौके की बारिश करते हुए 197 रन का टारगेट मुंबई की टीम को दिया है। ऐसे में दिनेश कार्तिक की बल्लेबाजी को देखकर मैं काफी ज्यादा खुशी महसूस कर रहा हूं। तो दोस्तों, जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी को देखकर आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, अब तक की आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक हैरान कर देने वाला मुकाबला वानखेड़े के मैदान में देखने को मिला। इस मैच में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम आमने सामने थी। जब कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस उछाला तो सिक्का उनके पक्ष में गिरा और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेहमान टीम रॉयल चैलेंजर बैंगलोर को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। बैंगलोर की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर विराट कोहली के साथ कप्तान फाफ डुप्लेसिस आए। वहीं मुंबई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए अफगानिस्तान के सबसे खतरनाक स्पिनर गेंदबाज मोहम्मद नबी। यह मुकाबला देखने के लिए पूरा क्रिकेट जगत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। विराट कोहली बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। मोहम्मद नबी की दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर अपना और अपनी टीम का ख्याल खाता खोल दिया और वहीं मोहम्मद नबी भी शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। इनके ओवर में बैंगलोर के बल्लेबाजों को सिंगल से ही संतुष्ट होना पड़ रहा था, लेकिन तभी फाफ डुप्लेसिस ने ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया और अपनी टीम को पहले ओवर में 7 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई के लिए दूसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज स्कॉट जिया बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बैंगलोर के बल्लेबाजों को रन बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। फाफ डुप्लेसिस बाल बाल इतने ओवरों पर अपने विकेट गंवाने से बच रहे थे। मुंबई के गेंदबाज पूरी तरह से शिकंजा कस चुके थे, लेकिन तभी ओवर की अंतिम गेंद पर कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने बेहतरीन छक्का लगाकर अपनी टीम को 2 ओवर में 14 रनों तक पहुंचा दिया। अभी तक यह मुकाबला बराबरी पर चल रहा था, क्योंकि ना तो गेंदबाज विकेट निकालने में सफल हो रहे थे और ना ही बैंगलोर के बल्लेबाज कुछ खास अंदाज दिखा रहे थे। मुंबई की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बेहद अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। अपने ओवर की दूसरी गेंद पर बुमराह ने विराट कोहली को ऐसा चकमा दिया कि गेंद सीधा पैड पर लगी, लेकिन इस बार विराट कोहली बच गए। मगर बुमराह ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर इस बार उन्होंने विराट कोहली को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। विराट कोहली 9 गेंद पर 3 रन बनाकर बुमराह के शिकार हो गए और बैंगलोर को 14 रनों के ही स्कोर पर पहला झटका लग गया, लेकिन कप्तान फाफ डुप्लेसिस मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज विल जैक आ चुके थे और आते ही इन्होंने बुमराह की 5वीं गेंद पर चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 3 ओवर में बैंगलोर का स्कोर केवल 18 रन 1 विकेट पर बन पाया। टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए इस बार आकाश माधवाल मुंबई पूरी तरह से मैच में शिकंजा कस चुकी थी। बैंगलोर के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। बैटिंग पिच पर भी बैंगलोर की पारी कछुए की रफ्तार से धीमी चल रही थी, लेकिन तभी आकाश माधवाल की दूसरी गेंद पर विल जैक्स ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। आकाश माधवाल भी इस चौके का बदला लेते हुए अपने ओवर की चौथी गेंद पर विल जैक्स को टिम डेविड के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, बल्कि बैंगलोर टीम की कमर तोड़
ही 23 रनों के स्कोर पर दो बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। अब कप्तान डुप्लेसिस का साथ देने के लिए मैदान पर नए बल्लेबाज रजत पाटीदार आ चुके थे और आते ही उन्होंने चौका जड़कर अपना खाता खोला। चार ओवर में बैंगलोर का स्कोर 28 रन 2 विकेट पर बन पाया। मुंबई की घातक गेंदबाजी लाइनअप के आगे बैंगलोर का कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं पा रहा था। पांचवा ओवर लेकर आए एक बार फिर कोर्जिया बेहद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बैंगलोर के बल्लेबाजों को रन बनाना भी मुश्किल हो रहा था, सिंगल भी नहीं ले पा रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज मुंबई की टीम पूरी तरह से मैच में हावी दिख रही थी, लेकिन तभी पांचवी गेंद पर कप्तान डुप्लेसिस ने कोर्जिया को शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। पांच ओवर में बैंगलोर का स्कोर केवल 35 रन बन पाया।